यूपी, यूके और बिहार एपीओ की वैकेंसी आ सकती है। राजस्थान की एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी मिला है ना स्टेट की, तो 700 करीब वैकेंसी हो सकती है, 700 प्लस वैकेंसी हो सकती है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। अपकमिंग एपीओ वैकेंसी की बात करेंगे। देखो, अपकमिंग एपीओ की वैकेंसी की मैं बोल रहा हूँ तो इसके आने के चांसेस हैं। मेरा मोटिव इतना ही है कि आप प्रिपरेशन करना चालू कर दे, अगर नहीं करी पहले ही आपको अपडेट मिल जाए, क्योंकि वैकेंसियां वैसे ही बहुत लेट चल रही है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें एग्जाम डेट बहुत नजदीक होगी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यूपी, यूके और बिहार एपीओ की वैकेंसी आ सकती है। राजस्थान की एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भी फिल हो गए हैं और शायद डेट भी निकल गई है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बहुत पहले ही अपडेट दी थी, जैसे आरपीएससी एपीओ की अपडेट दी थी ना मैंने, 181 वैकेंसी आ रही है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने आपको। ऐसे ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, इसमें भी कुछ संख्या आ रही है बाहर, कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो ये तीनों वैकेंसी मिला है ना स्टेट की, तो 700 करीब वैकेंसी हो सकती है, 700 प्लस वैकेंसी हो सकती है। तो वीडियो ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना। और देखो, मेरी कोई कोचिंग तो है नहीं कि मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा या कुछ और कर दूंगा। मेरा क्या मोटिव है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, आप प्रिपरेशन चालू कर दें, पढ़ाई चालू कर दें और सेलेक्ट हो जाए, इतना ही मेरा मोटिव है। तो सबसे पहले अपन यूपी की बात कर लेते हैं। देखो, यूपी की वैकेंसी है ना, मैंने उसका आरटीआई की इन्फॉर्मेशन आई थी उस पर वीडियो बना दिया था, उसमें साफ साफ लिखा था, इसमें नहीं लगाऊंगा फोटो, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हो जाके, उसमें साफ साफ लिखा था यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को अधियाचन मिल चुका है, मतलब वहां पे जा चुका है और डिपार्टमेंट ने भेज दिया यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो वैकेंसी इलेक्शन के बाद आपको देखने को मिल सकती है। 215 करीब वैकेंसी आ सकती है यूपी में, और भी ही आ सकती है, थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, पर 215 करीब उसमें लिखा हुआ था आरटीआई में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 215 करीब वैकेंसी यूपी एपीओ में आ सकती है। और यूपी एपीओ में क्या है, जीके भी बहुत थोड़ी हार्ड आती है, जो एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, जैसे आरएस का पेपर होता है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर होता है, जिसमें एसडीएम लगते हैं प्रॉपर और तहसीलदार लगते हैं, डीएसपी बनते हैं, तो उसकी लेवल की जीके आती है, अच्छी जीके आती है यूपी में। तो जीके पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जैसे राजस्थान एपीओ में जीके नहीं आती। राजस्थान एपीओ सब इसलिए तो फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कोई जीके नहीं है, कोई मैथ्स नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है और कोई करंट अफेयर नहीं है। जीके में आ गया करंट अफेयर भी, केवल लॉ आ रहा है और हिंदी इंग्लिश का पेपर हो रहा है। आप बोलोगे सर हिंदी इंग्लिश का सिलेबस क्या है राजस्थान एपीओ का, देखो अभी तक आरपीएससी की साइट पे आप जाओगे ना सिलेबस सेक्शन में, अभी तक अपलोड नहीं किया। हमेशा आरपीएससी जब भी देखो नोटिफिकेशन में होता है सिलेबस, बट आरपीएससी अलग से भी सिलेबस अपलोड करती है, और जो अमेंडमेंट हुए थे, रूल हुए थे, उसमें लॉ का बता रखा था और हिंदी इंग्लिश लिख रखा था और कुछ मेंशन नहीं था उसमें अलग से। अभी सिलेबस आएगा। लास्ट टाइम एपीओ में क्या होता था, एक पेपर होता था और मेंस नहीं होता था, इस बार मेंस हो रहा है राजस्थान एपीओ में। तो पहले एपीओ में जो पेपर होता था हिंदी इंग्लिश में, ग्रामर ही आती थी, कोई ऐसे वैसे नहीं आते थे। तो इसलिए अपन अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते कि राजस्थान एपीओ में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, राजस्थान एपीओ का अगर फॉर्म नहीं भरा आपने तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते, यही ऑप्शन है आपके पास अब। यूके, यूपी, बिहार, ठीक है, बिहार में भी जीके आती है, उत्तराखंड का मुझे आइडिया नहीं है, कभी सिलेबस पे वीडियो बनाऊंगा उसमें शायद जीके आती है, उत्तराखंड में भी जीके आती है, पर राजस्थान ही है जिसमें जुडिशरी में भी जीके नहीं आ रही और एपीओ के पेपर में भी जीके नहीं आ रही, जेएलओ के पेपर में भी जीके नहीं आ रही। तो ये हो गई यूपी की बात। तो 215 करीब वैकेंसी आ सकती है। देखो वैसे तो कम है यूपी के हिसाब से वैकेंसी, बट जो आ सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। देखो उत्तराखंड में रिट भी लगी थी, कोर्ट में मैटर भी चल रहा था, कोर्ट ने बोला भी था, तो 150 करीब वैकेंसी आपको उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। मैं जनरल वे में बता रहा हूँ आपको, एक नॉर्मल टॉक कर रहा हूँ आपसे, और इसमें कोई फोटो वोटो नहीं लगा रहा, मैंने इन सब पे वीडियो बना रखा है। बस ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आपको ये वैकेंसी इलेक्शन के बाद जैसे आचार संहिता हटेगी देखने को मिल जाएगी। आप बोलो सर आचार संहिता में नहीं आ सकती, आ सकती है, इलेक्शन कमीशन परमिशन दे दे, सारी वैकेंसी आ सकती है। हाईकोर्ट पे इसका कोई अप्लाई नहीं होता, हाईकोर्ट ने निकाल दी वैकेंसी, आरजीएस की वैकेंसी आचार संहिता में आई है, पेपर भी कंडक्ट करा रहे हैं, एग्जाम डेट भी उसमें मेंशन है और 3-4 एग्जाम क्लैश हो रहे हैं उसमें आरजीएस का। तो आप ये मत सोच के जाना पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, आप तो ये सोचना पेपर हो रहा है। तो यूके में भी 150 करीब वैकेंसी आ सकती है, और यूके के हिसाब से 150 वैकेंसी मैं ही नहीं बोलूंगा, ज्यादा है कम है, ठीक ठाक है। तो 150 वैकेंसी करीब आ रही है, जो यूके को टारगेट कर रहा है, उत्तराखंड को टारगेट कर रहा है, तो 150 करीब वैकेंसी आ सकती है। अब बात आती है बिहार की।
देखो बिहार में काफी अच्छी संख्या आई है। बिहार में 400 गरीब भी जा सकती है, 500 गरीब भी जा सकती है, 300 गरीब भी जा सकती है, 300 से ऊपर ही रहेगी, तो लगभग 400 मान के चलो बिहार एपीओ में वैकेंसियां आएंगी। और जनवरी में मीटिंग हुई थी और बहुत बड़े अधिकारी थे आईएएस लेवल के, उन्होंने बोला भी था जल्दी वैकेंसी आएंगी, अधियाचन चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। फिर इलेक्शन आ गया, आपको पता है आचार संहिता लग गई। अब जैसे ही आचार संहिता हटेगी ना, काफी वैकेंसियां तो आचार संहिता के कारण डिले है, और जैसे आचार संहिता हटेगी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और राजस्थान में जेएलओ की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, किस विभाग में मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, उसमें भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी है कि कितनी वैकेंसी आ सकती है, वो पर्चा किसी के पास होगा नहीं और किसी और लॉ चैनल वालों ने बताया भी नहीं है। जो राजस्थान के बच्चे हैं अगर कमेंट करना, अगर वो वीडियो में देखा तो मैं वापस बना दूंगा चाहे, तो आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो। आरपीएससी जेलों का तो पेपर अभी इंटरव्यू पेंडिंग है आचार संहिता के कारण, अभी सारा मतलब इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, अभी कुछ बच्चे बच्चा इंटरव्यू देंगे। तो जैसे अचार, अब देखो जो बच्चे पूछते रहते हैं सर जेलों का इंटरव्यू कब होगा, बाकी कब होगा, अब मैं नहीं कह सकता, आरपीएससी के ऊपर है, आचार संहिता लगी हुई है, करवा भी सकते हैं इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके, या फिर इलेक्शन के बाद होगा। तो आप कमेंट करना वो जेल वाली वैकेंसी बताऊं क्या जो राजस्थान में है। तो ये है, तो बिहार में भी कम से कम 400 करीब वैकेंसी आ सकती है। अब तीनों स्टेट की वैकेंसी को मिलाओगे आप तो ये 700 करीब वैकेंसी होती है, 215 करीब यूपी में है आने के चांसेस, और 150 करीब उत्तराखंड में आने के चांसेस, और 400 करीब बिहार में आने के चांसेस। तो ये सब मिलाओगे तो 760 65 ऐसे कुछ हो रहा है, 765 देख लेना आप, कैलकुलेट कर लेना, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है। तो 700 करीब वैकेंसी आ सकती है, और राजस्थान एपीओ की वैकेंसी आ गई है, और ये वैकेंसी 8-9 साल बाद आई है। अगर फॉर्म भरने में आपने फॉर्म नहीं भरा आपने, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अब ये वैकेंसी अगली कब आएगी कोई आइडिया नहीं है, और सबसे बड़ी बात इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते थे, हमारे टाइम पे ऐसा मौका हमें नहीं मिला था, हम जब कॉलेज से पास आउट हुए थे, वैसे वैकेंसी उस टाइम आई नहीं थी, बट फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते थे, उस टाइम एक्सपीरियंस मांगते थे 2 साल का, बट जो अभी इस टाइम पास आउट हुआ है ना कॉलेज से, उनको इतना बड़ा प्लस पॉइंट मिला है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी तैयारी भी काफी अच्छी है, जो नए बच्चे होते हैं ना उनकी तैयारी काफी अच्छी होती है, और उनको सब बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, जो पहली बार पढ़ता है ना बहुत डिटेल में पढ़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर पेपर क्रैक कर सको तो फर्स्ट टाइम में ही कर दो, सेकेंड टाइम में दिक्कत आने वाली है, थर्ड टाइम में और दिक्कत आने वाली है, फोर्थ टाइम में बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। पेपर क्रैक कर सको तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर दो, क्योंकि बहुत ढंग से पढ़ाई होती है, चीजें याद रहती हैं, और एक एक चीजें पढ़ते हो आप ढंग से पढ़ते हो, और सारी चीजें मैंने बता रखी है, बुक्स के बारे में बता रखा है, राजस्थान एपीओ में कौन सी बुक्स पढ़ो, किस में से पेपर आ सकता है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो देख सकते हो मेरा वीडियो जाके, आरजीएस की पढ़ाई कैसे करो उस पर भी बता रखा है मैंने, तो चैनल पे जाओ, क्योंकि आरजीएस की वैकेंसी 16 जून को ही है। और इस अब देखो पेपर पोस्टपोन की बातें चल रही है, आज न्यूज में आया, अब मैं वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं उसका, उसमें बच्चे क्या थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले बच्चों के कहने पे वीडियो बनाया, तो थोड़ा बच्चे पोस्टपोन नहीं होगा, मैंने उसमें साफ बोला है कि पोस्टपोन, ये सोच के बच्चों लोग पोस्टपोन नहीं होगा, हाई कोर्ट के पेपर बहुत कम चांसेस होते हैं पेपर पोस्टपोन होने के, बट ठीक है जो भी होगा अपन बताएंगे आपको। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा देना, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी हो, अपकमिंग वैकेंसी हो, जैसे मैंने आपको 3 अपकमिंग वैकेंसी इस वीडियो में बताई है, ऐसे कोई और अपकमिंग वैकेंसी होगी, राजस्थान में एक जेलों की अपकमिंग वैकेंसी है, आप कमेंट करना, अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो बनाऊंगा उस पर वीडियो, वैसे बना रखा है मैंने, देख लो जाके वीडियो, अगर नहीं मिले कमेंट कर देना, आपको लगेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा वापस, मेरा कुछ नहीं जा रहा, बच्चे सेलेक्ट हो जाएं बढ़िया। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आधे से लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा था, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।